कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे अजीब और गरीब हादसे घट जाते हैं जिनसे रोंगटे खड़े कर देने वाला डर पैदा हो जाता है। यूपी के कानपुर में कुछ ऐसा ही हादसा घटा जिसने सबका दिल दहला दिया। राज, डर और दर्द भरी कई कहानियां हैं इन किन्नरों की। हाय हाय, अरे चुप करो, चुप करो, माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला होए। खबरदार, ये मैं कहती हूँ, तुम्हारी अय्या मैं कहती हूँ, कोई एक और आंसू नहीं बहाएगा। चला गया रे, अपनी सारी सहेलियों को भी सहारा छोड़ के चली गई। देख लक्ष्मी, कितना टेंशन है उसके चेहरे पर तू टेंशन मत लेना सरदार, मैं हूं ना, अय्यमा है, ये पूरी कौम की मैं बरोबर दरकार करूंगी, मैं सबकी सुरक्षा करूंगी, पूरी बिरादरी की, ये मेरा वादा है, अय्यमा का वादा है। चुप हो जाओ सब। ए रंबा, रंबा जा, जरा सामान लेके आ, सरदार को तैयार कर, पूरा 16 सिंगार से सजा ले मेरे सरदार को, फिर हम आज रात सरदार की स्मशान यात्रा निकालेंगे सारी दुनिया की नजरों से छुपा कर, ताकि कोई हमारे सरदार की अंतिम यात्रा न देख ले। जाओ तैयारियां शुरू करो। छक्के हो ना, है ना? ए, पकड़ो इसे। ए, पकड़ के मतलब? ए? पकड़ के ले लो उसको। अपने सरदार की अंतिम यात्रा देख चुका है साला। छोड़ना मत उसको। किन्नरों की मौत एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्यों रात 12 बजे के बाद ही उनकी मैयत निकलती है और क्यों उनकी शव यात्रा को देखा नहीं जाता? उस रात जब किन्नरों के सरदार की शव यात्रा निकल रही थी, तभी तरुण नाम के एक लड़के ने उस शव यात्रा को देख लिया था। बस फिर क्या है, यही इत्तेफाक उसके लिए डर का साया बन गया। बहुत शौक है ना तुझे हमारी कौम को चुपके से देखने का। चल एक काम करती हूँ, तुझे भी हमारी कौम में शामिल कर देती हूँ। अब हमारे सरदार की अंतिम यात्रा देखी है तो कुछ तो बदला चुकाना होगा ना। छोड़ दो। देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ, बहुत चचेगी तुझ पर, सच कहती हूँ मैं, बहुचर माँ की कसम खा के कहती हूँ, बस पहन ले। तुझे भी जमाने भर की हंसी झेलनी पड़ेगी जैसे हम झेलते हैं। Ah!
कुछ ना बुलवाए तेरा भला होगा। तरुण चल खेलने चलते हैं। हाँ तो चल मैं आता हूं। कहते हैं डर तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि आप डटकर उसका मुकाबला ना करें। तरुण के दिमाग पर धीरे धीरे डर हावी हो रहा था पर वो उस अनजान खतरे से बेखबर था और एक दिन दहशत के सौदागर उसे अपनी खौफनाक दुनिया में ले गए। खड़ा रहे। माँ, मेरी बहुचरा माँ, आज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं न्याय कर सकूं। सरदार के जाने के बाद उनके स्थान की शोभा बढ़ा सकूं। माँ मुझे शक्ति दे कि मैं हमारी बिरादरी और बिरादरी के नियमों की अच्छे से रक्षा कर सकूं। झूठ ना बुलवाए तेरा भला हो है। पहचाना मुझे चिकने अभी अभी मेरी बहुचर माता से बात हुई है और माता जी चाहती है कि हम इस बच्चे को हमारी बिरादरी में शामिल कर लें। नहीं। क्योंकि इसने हमारे सरदार की अंतिम यात्रा जो देख ली है अब इस लड़के की वजह से हमारी पूरी बिरादरी खतरे में पड़ गई है। मुझे तो लगता है अपने सरदार की आत्मा को शायद शांति तक नहीं मिलेगी इसलिए अब हमें इस लड़के को हमारी बिरादरी में शामिल करना ही होगा वो भी आज ही रात को ठीक 12 बजे। नहीं। देखो मुझे माफ कर दो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई आगे से कभी नहीं होगी मुझे जाने दो। इस बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है लक्ष्मी बहन हम इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए और उसे जाने देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हो तुम पर हम कर भी क्या सकते हैं ना किस मुई अय्यम्मा के सामने। अरे पीने कुछ नहीं है चीखने सिंपल सा डोज है दवाई का इसे पीने के बाद तुझे कोई दर्द नहीं होगा बाउचर माँ की कसम खा के कहती हूँ। अरे पी ले पी ले। चल तू मेरे साथ चल। हे बहुचरम माँ इस बच्चे की रक्षा करना माँ हम तो हमेशा आपसे यही दुआएं करते हैं कि लोगों का जीवन फले फूले तो फिर हम इस बच्चे का जीवन कैसे खराब कर सकते हैं माँ। नहीं इस बच्चे की रक्षा कर माँ इस बच्चे की रक्षा कर। हे माँ विनती है मेरी बच्चे की रक्षा करना। तरुण के पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी
एक तरफ पुलिस सर उनको ढूंढ रही थी और दूसरी तरफ किन्नर उसे अपनी दुनिया का हिस्सा बना रहे थे। आई अम्मा की मानसिकता के कारण तरुण के साथ एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जो आने वाले बेहद डरावने कल का संकेत था। नौटंकी कराए नौटंकी ड्रामा? कोई ड्रामा नहीं है। अगर ये नाटक कर रहा होता ना तो हमारा बीता कल कैसे जानती वो? सुनो सारी सखियों, सरदार के जाने के बाद अभी मुझे ही सारी बिरादरी को संभालना है। मुझे यहाँ सिर्फ मेरा आदेश चलेगा। हाँ तू तो सिर्फ मेरा आदेश का पालन कर। हाँ हाय हाय, ऐसे कैसे आदेश का पालन करें? देख आई अम्मा, हमने भी तुझे अपना सरदार नहीं चुना है, हम तेरी कोई भी बात नहीं मानेंगे। हाँ सोना बहन, लक्ष्मी भी तुम्हारे साथ है। बोलो बहन, बोलो बहन। अय्या मां तेरे को छोड़ेगी नहीं, आज काट के रखूंगी मैं। छोड़ सोना छोड़। ऐसे करता है कभी बिरादरी को? अरे छोड़, अरे छोड़ भी रखूंगी। जिएगी अय्या मां, तेरे अंदर जिएगी।
झूठ ना बोलवाए तेरा भला हो। बेटा तरुण, इतने घर आ गया, संभाल के घर जाना। और हाँ, अपने पापा मम्मी और पुलिस वालों को मत बताना कि तू इतने दिन कहाँ रहा, किन हिजड़ों के साथ रहा, वरना तेरे माँ बाप और पुलिस वाले हम हिजड़ों को भी नहीं छोड़ेंगे। जा। शुक्रिया करता हूँ। रुको रुको, मैं तेरे नाजू तो पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न साक्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पते ददातु। अये मां जिएगी, अये मां तेरे अंदर जिएगी चिकने। यजमान, पूजा के लिए फूल मंगवा दीजिए। शांति, फूल लाना। तट विगल ज्वल प्रवाह पावित स्थले। जब वो मुझे लेकर गए थे ना, तब उन्होंने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी थी, इसलिए मैं कुछ नहीं देख पाया वो मेरे को कहां पर लेकर गए थे। सब ठीक हो Ah!
आई अम्मा वापस आ गई। स्कूल बस से भेज देना उसे। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। ओके हाँ, तुम भी। तेरी जैसी औरतों का टच पसंद नहीं है मेरे को। तेरी माँ है वो। तो जब
सुनिए क्या कर रहे हैं आप? ए, ये मेरा घर नहीं है रे। ए बुड्ढे, ए बुड्ढे खोलना रे, ए बुड्ढे खोल जल्दी। ए बुड्ढे। क्या हो गया इसे? कहीं इसकी दिमागी हालत तो नहीं खराब हो गई? हाँ। हमें किसी डॉक्टर को जल्द से जल्द दिखाना होगा। अय्यम्मा ने मरते वक्त जो कहा वो सच हुआ। उसकी आत्मा तरुण को अपने वश में कर चुकी थी। तरुण के परिवार वालों ने कई डॉक्टर्स को दिखाए पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर तरुण की माँ को ये यकीन हो गया कि उसके बेटे पर कोई साया ही है। क्या हुआ? तू ऐसा क्यों खड़े है रे? हाँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मत झूठ ना बुलवाए, पर अभी भी तू इंसानों को पहचानने में थोड़ी कच्ची है सोना। हाँ। अय्यम्मा? क्यों, तुझे क्या लगा अय्यम्मा अपना मौत का बदला नहीं लेगी और तुम सबको ऐसे ही छोड़ देगी और खुशी खुशी अपनी मौत को अपना लेगी? हाँ, पर मत झूठ ना बुलवाए, तेरा भी समय आ गया। हाँ, मरने का। माता झूठ ना बुलवाए। तेरा भला हो। खत्म हो गया अब तो मैं पूरे 5,000 एक लूंगी, क्यों बहनो? पूरे 5,000 एक लेंगे? हाँ, बेटी की शादी जो की है। अरे कोई जबरदस्ती है का?
एक हजार एक दूंगा, लेना हो लो वरना ये भी नहीं मिलेगा। अरे ना कैसे? ए सकुना, भूल गई क्या कि इन जैसे मोटे सेठों से पैसा कैसे ऐठा जाता है? माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होए। अम्मा अभी जितना मांग रही है वो उतना दे दे, अब थोड़ी ना तेरे बेटे की शादी बार बार आएगी। चल अभी जल्दी से माल दे, नहीं तो हम जैसे हिजरों को अपने कपड़े उठाने में देर नहीं लगती है। हाँ बोल देती हूँ। रंदे रंदे ले ले भाई ले। चल। ओ सकुना मेरी सखी, मेरी वफादार, मैं तेरी आओ लक्ष्मी, बस तुम्हारी ही कमी थी, माता झूठ ना बुलवाए, तेरा भला होए। आ अब मिलके तमाशा करते हैं। अयम्मा देख, मैं लक्ष्मी तुझसे माफी मांगती है, इस बच्चे को छोड़ दे, मासूम है बेचारा। अब तू सिखाएगी मुझे क्या गलत है और क्या सही? इतना गुरूर! आज जो मेरी मौत हुई है ना, वो सिर्फ तेरे कारण हुई है। इस बच्चे का तो जो होगा सो होगा, लेकिन उससे पहले मैं तेरे से पैसा बराबर करूंगी। अय्यम्मा, बुराई का साथ देगी ना तो तेरे साथ भी बुरा होगा, माता रानी तेरे साथ बुरा करेगी, और मैं इस बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, ये लक्ष्मी का वादा है। आज तक अय्यम्मा को ना कोई रोक पाया और ना ही कोई रोक पाएगा आगे, बोल देती हूँ। हाँ। आज के अरानवासी मेले में मैं इस लौंडे में पूरी पूरी तरह से समा जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए। पापन पापन है तू, तुझे छोड़ेगी नहीं लक्ष्मी, छोड़ेगी नहीं तुझे। आइयो अम्मा चलो इसको बाद में देखेंगे, चलो यार चलो। छोड़ दे मुझे, आज तो मेरी कॉम ने मुझे रोक लिया है, लेकिन आइंदा आइंदा मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, बोल दे। भाई साहब हमारी बात तो सुनिए। क्या सुनिए? कहाँ है मेरा बेटा बताओ? हम भी आपके बेटे को बचाना चाहते हैं। हाँ लेकिन इस वक्त अय्यम्मा की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ भी बोले जा रहे हो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस बताओ कहाँ है। आज रात को देवी माँ के मंदिर में तरुण को ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको हमारी बिरादरी में शामिल कर लिया जाएगा और फिर अय्यम्मा की आत्मा उसके अंदर हमेशा के लिए प्रवेश कर जाएगी। मेरे पास समय बहुत कम है, मेरे साथ चलिए, जल्दी चलिए आइए। ब्राह्मण कि लक्ष्मी उसे कुछ नहीं होने देगी, मेरे साथ चलो चलो। लक्ष्मी दीदी वो सोना 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 का खून हो गया। माता झूठ न बुलवाए, तेरा भला हो। रक्षा कर, मां रक्षा।
आज उस तरुण को कुछ हो गया ना माँ, तो अनर्थ हो जाएगा माँ, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। अनुष्ठान की शुरुआत इस मुर्गे के बलिदान से होगी। नहीं आई अम्मा, मुर्गे के बलिदान के लिए तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, इस लड़के के शरीर से बाहर निकलना होगा। आती हूँ। बुलवाए तेरा भला होगा। हे बहुचरा माँ, इस मुर्गे की बलि को भेंट के तौर पर स्वीकार करना। जब तक तू भूलेगी नहीं ना माँ, आज ये लक्ष्मी का वादा है, अपनी जान दे देगी, आज सर पटक पटक के अपनी जान दे देगी तेरे दर पर। सोच रही हो तुम सब? हाँ, अभी भी कुछ नहीं गया है, मां से माफी मांग लो। आज भी हम किन्नरों की कितनी इज्जत होती है पता है, कितना सम्मान दिया जाता है। आज भी पूरे देश में जब भी कहीं बच्चा होता है, गोद भराई होती है, शादी होती है, कोई अच्छा काम होता है, तो हमारे बिना पूरा नहीं होता। जानती हो क्यों? भगवान कृष्ण ने हमें वरदान दिया था ऐसा। हमारी दुआएं लोगों को लग जाती और जो बुरा करता है अय्यम्मा के जैसे होता है उसका हाल। माता रानी नहीं चाहती थी
कि हम किन्नरों पे लोग थूके, हमसे डरे, हमसे दूर भागे। अरे हम तो बहुत प्यार करते हैं सबको, हमारी खासियत कभी मत भूलना। हम लोगों की दुआओं में रहते हैं, उनके डर में नहीं। उनकी बलाएं लेते हैं हम, उन्हें दुख नहीं देते। माँ अपने बच्चों को माफ कर देना। अरे माफी मांगो इनसे। बहुचरा माता की जय। जीत हमेशा से सच्चाई की ही हुई है और इसीलिए तरुण उस दुनिया से निकल आया। लेकिन किन्नरों की अंधेरी दुनिया के कई राज आज भी सबके लिए राज ही हैं। दहशत की अगली कड़ी में फिर से एक नई दास्तान के साथ खुलेंगे और भी खौफनाक राज। देखते रहिए फियर फाइल्स दहशत दोबारा।